बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम नंपाई के कुछ बुनियादी एट्रीब्यूट्स के मुतालिक पढ़ेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से नंपाई के अंदर डेटा या एरे क्रिएट कर सकते हैं, हम किस तरीके से जो है नंपाई के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नंपाई की बुनियाद एनडी एरे के ऊपर है। आप यूँ समझें कि नंपाई जो इंटरनली अपना डेटा स्टोर करता है वो एक एन डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर करता है। अगर आप वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं नंपाई के अंदर, तो वो वन डायमेंशनल एरे एनडी एरे की फॉर्म में होगी। अगर आप टू डायमेंशनल डेटा रखना चाह रहे हैं तो एनडी एरे टू डायमेंशनल होगी। तो एनडी एरे का एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू जो है आप एनडी एरे के थ्रू देख भी सकते हैं कि इंटरनली डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, और आप जितने भी मेथड्स यूज़ करेंगे नंपाई के, जैसे हम देखेंगे अभी इंशाल्लाह वंस का मेथड है, ज़ीरोस का मेथड है, एम्प्टी का मेथड है, तो डिज़ायर्ड शेप की आपके पास नंपाई की एरे क्रिएट हो जाती है और ये इंटरनली स्टोर होती है एनडी एरे की फॉर्म में। तो चलते हैं हम कुछ प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कंप्यूटर पे एक जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको कि हमें नंपाई को इस्तेमाल करने से पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट नंपाई एस एनपी। अब मैं नंपाई के डिफरेंट मेथड्स आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एनपी डॉट ज़ीरोस, तो इससे नंपाई की एक एरे क्रिएट होगी जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। किस साइज़ की एरे बनानी है मुझे वो भी बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं 4x4 की एरे बनाना चाहूँ तो मैं एक टपल दूंगा जिसके थ्रू मैं स्पेसिफाई करूंगा साइज़ ऑफ दी एरे, और इसको मैं सेव करा लूं अगर एक्स के अंदर, और एक्स को मैं प्रिंट कराऊं। अगर जुपिटर नोटबुक में आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो डायरेक्टली उसको प्रिंट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4x4 की एक एरे क्रिएट हो गई। मैं चाहूँ तो वंस की एरे भी बना सकता हूँ। मैं लिखूँ एनपी डॉट वंस, और यहाँ पे मैं शेप बता दूँ 5x5 की एरे बना रहा हूँ, तो एनपी डॉट वंस से वन की एरे क्रिएट हो गई, सारे एलिमेंट्स इसमें वन है। एनपी डॉट एम्प्टी, एनपी डॉट एम्प्टी से मैं एक एरे क्रिएट करूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें ज़ीरो हो सारे एलिमेंट्स। डिज़ायर्ड शेप की एरे क्रिएट हो जाएगी और उसमें डेटा रैंडमली कुछ भी हो सकता है। अभी तो ज़ीरो आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ज़ीरो ही रिटर्न करे, ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है, रैंडमली कुछ भी मेमोरी से डेटा उठ के आ सकता है, लेकिन डिज़ायर्ड शेप की एरे क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप किसी लिस्ट को भी पास ऑन कर सकते हैं कि लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो एक नंपाई की एरे क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 4, 5, 7। एनपी डॉट एरे के मेथड से मैं इस लिस्ट को एक नंपाई की एरे में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये नंपाई की एरे क्रिएट हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं
फॉर एग्जाम्पल एन पी डॉट ए रेंज, एन पी डॉट ए रेंज से आप जिस तरीके से रेंज का मेथड है जो कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज जनरेट करेगा बिटवीन आपने जो स्टार्टिंग स्पेसिफाई किया है, एंडिंग स्पेसिफाई किया है और आपने स्टेप साइज जो स्पेसिफाई किया है, उस रेंज के अंदर विद द डिज़ायर्ड स्टेप साइज एक एरे क्रिएट होगी। ये फ़र्क है रेंज में और ए रेंज में। रेंज जो है पाइथन का मेथड है, ए रेंज जो है नंपाई का मेथड है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 से लेके 100 तक विद द स्टेप साइज ऑफ 10। तो ये कुछ मेथड्स थे जिसके थ्रू आपने नंपाई में एरे क्रिएट करना सीखा। अब एक काम करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ये जो एरे आया है मेरे पास इसकी शेप क्या है। मैं लिखता हूँ एक्स डॉट शेप। तो ये 10 एलिमेंट्स की एक एरे है, वन डायमेंशनल एरे है। मैं चाहूँ तो एन पी डॉट ज़ीरोज में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10x10 की एक एरे बना रहा हूँ। अब मैं इसकी शेप देखूँगा तो आपके ख़्याल में इसकी शेप क्या आनी चाहिए। एक्स डॉट शेप करते हैं हम, तो ये 10x10 का एक टपल बना। ये एक टपल है जो कि बता रहा है कि 10x10 इसका शेप है। इसके अलावा मैं चाहूँ तो इसको रीशेप भी कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ एक्स डॉट रीशेप। 10x10 का मतलब है 100, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x2x25 या 5x5। इसको मैं रीशेप कर दूँ तो अब आप देखें वाई में क्या चला गया। ये 4 डायमेंशनल एरे बन गई, 2x2x5x5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होने चाहिए, आप रीशेप करके किसी भी शेप में ला सकते हैं। तो ये रीशेप का मेथड है। इसके अलावा आप डेटा टाइप भी देख सकते हैं नंपाई एरे की। मैं अगर देखना चाहूँ वाई जो मेरे पास एरे है उसका डेटा टाइप क्या है, डी टाइप मैं लिखता हूँ तो मैं इसकी डेटा टाइप देख सकता हूँ। तो हमारे पास फ्लोट है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास फ्लोट के अलावा और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं जिसमें इंटीजर है। इवन आप स्ट्रिंग में भी नंपाई का डेटा रख सकते हैं। वाई की डायमेंशन देखना हो मुझे, कितने डायमेंशन का एरे है ये, तो 4 डायमेंशनल एरे है। तो जनाब ये हमने एनडी एरे की कुछ बुनियादी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रैक्टिकली देखा।